लास्ट क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन का फर्क, लास्ट क्वेश्चन में यहां x की वैल्यू दी हुई थी और अब सवाल में 1/x की वैल्यू दी हुई है जो 7+4√3 है। ये किसकी वैल्यू गिवन है? 1/x की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद फाइंड द वैल्यू, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? x2+1/x2, यानी एक दफा स्क्वायर के बीच में प्लस का साइन है और एक दफा स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन है। एक दफा स्क्वायर के बीच में प्लस का साइन है और एक दफा स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन आता है तो आप जानते हैं कि स्क्वायरिंग नहीं करते, और प्लस का साइन आता है तो स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो पहला काम तो ये, सवाल में 1/x की वैल्यू दी हुई है, x की तो नहीं दी हुई, तो उसका मतलब पहले किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब मेरा गौर से देखिए। आप इसको कर दे रेसिप्रोकल, तो आप वर्डिंग क्या यूज करेंगे? रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, बोर्ड पर फोकस करना है अभी, ठीक है, अभी लिखना किसी ने भी नहीं। x ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, नीचे वाला 1 नहीं लिखते, ये रेसिप्रोकल हो गया। हो गया रेसिप्रोकल, यही काम बराबर में भी हो रहा है। इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 है, 1 ऊपर चला गया और 7+4√3 नीचे आ गया। अब अगर मैं इधर कहूं कि ये x की वैल्यू हो गई तो गलत हो गया, क्यों? शाबाश, रूट आ गया। तो अब वर्डिंग क्या यूज करेंगे? रैशनलाइज, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। पूरा स्टेप वही होगा, क्या करेंगे भाई? x की वैल्यू निकाल रहे हैं आप, थोड़ा सा उल्टा काम हो रहा है लेकिन कर वही रहे। मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, बीच की साइन को क्या कर दिया? चेंज कर दिया, ठीक है। ये 7-4√3 1 से मल्टीप्लाई हो गया और ये दोनों भी आपस में क्या हो गए? मल्टीप्लाई। तो x बराबर हुआ 7-4√3 डिवाइडेड बाय a+b a-b। फॉर्मूला पता आपको, a²-b²। तो 7-4√3 डिवाइडेड बाय a²-b², a की जगह आ जाएगा 7 और b की जगह आ जाएगा 4√3। तो x बराबर है 7-4√3 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर, 7 × 7 = 49। ये स्क्वायर 4 पर भी है और ये स्क्वायर रूट पर भी है, तो पहले 4 का स्क्वायर करो, 4 × 4 = 16। स्क्वायर से रूट, अंदर वाला 3 बाहर निकलेगा तो 16 से क्या होगा? मल्टीप्लाई। 7-4√3 डिवाइडेड बाय 49 − 48। 49 − 48 कितने हो गए? 1। 7-4√3 की x की वैल्यू आ गई भाई, आ गई x की वैल्यू। अब जरा और से सोच के बताना, बड़ी अहम बातें हैं। अब क्या मैं इनकी नहीं, क्या मैं x की वैल्यू या x²+1/x² की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकता हूं जब तक मैं x+1/x ना निकालूं? स्क्वायरिंग तो डायरेक्ट हो ही नहीं सकती जब तक मैं प्लस ना निकालूं, ये वाली बात है। तो बच्चे यहां पर अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्क्वायर साइड डायरेक्ट निकालना है, नहीं, पहले x+1/x निकलेगा, फिर x-1/x निकलेगा, फिर स्क्वायर निकलेंगे। तो हमें दो चीजें निकालनी है, पहले लिखी भी नहीं है वो, हाइट है लेकिन जरूरी है, ठीक है। तो देख ले मेरा गौर से, हम क्या करेंगे? हम x को प्लस करेंगे 1/x में। तो x की वैल्यू क्या है ये निकाली, 7-4√3 और 1/x की वैल्यू सवाल में दी हुई है 7+4√3, कैंसिल क्या हुआ? 4√3 और 7+7 कितने हो गए? 14। 49 कैसे होगा भाई? प्लस हो रहा है, देखा, ये सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है।
ये x प्लस वन अपॉन x निकाल लिया, अब क्या निकाल रहा है x माइनस वन अपॉन x। तो x माइनस वन अपॉन x में पुरानी यादें ताजा कर लें, x की वैल्यू ये थी और यहां साइन कौन सा है, सेवन प्लस फोर अंडर रूट थ्री। गलत किया है सही किया है, ये क्या करना है माइनस के बाद लगाना है पर्दा, ठीक है, और माइनस अंदर की साइनों से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, सेवन माइनस फोर अंडर रूट थ्री, माइनस प्लस माइनस का सेवन, माइनस प्लस माइनस का फोर अंडर रूट थ्री। अब बताएं कैंसिल क्या हो रहा है, सेवन माइनस का सेवन प्लस का, ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गए, माइनस का एट अंडर रूट सिक्स कैसे हो सकता है, अंदर वाले प्लस होंगे या बाहर वाले प्लस होंगे, बाहर वाले प्लस होंगे। एक्स माइनस वन अपॉन एक्स आ गया जी। अब जरा सुनिए गौर से एक बार जी, तमाम बच्चे सुन लीजिए, मुझे स्क्वायर के बीच में एक दफा प्लस नजर आ रहा है और एक दफा स्क्वायर के बीच में माइनस नजर आ रहा है। आपको पता है जब भी स्क्वायर के बीच में प्लस आ रहा हो तो हम स्क्वायरिंग करेंगे, चाहे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स पे करें, चाहे एक्स माइनस वन अपॉन एक्स पे करें, आंसर स्क्वायर में प्लस का ही आएगा। स्क्वायरिंग चाहे इन दोनों में से किसी में भी कर लें, आंसर प्लस में ही आएगा। जब स्क्वायर के बीच में माइनस होता है तो स्क्वायरिंग नहीं करते, आपको पता है वहां फॉर्मूला कौन सा लगता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वो स्टेप हो गया जो कि आज तक के लिए था, ठीक है। अच्छा जी, कॉपी कर ले, शाबाश, यहां तक पहले कॉपी कर ले। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किसके ऊपर करें, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स के ऊपर जिसकी वैल्यू 14 है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो x प्लस वन अपॉन एक्स के ऊपर स्क्वायर आ गया और 14 के ऊपर भी आ गया स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 14, 14 जा 196, 196। x x क्या हुआ कैंसिल, 2 जा 2, पता है ना ये वाला स्टेप, तो फॉर्मूले वाला है एक्स स्क्वायर प्लस 2 जा 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 196। प्लस का 2 यहां शूट कर वहां जाएगा, क्या बन जाएगा माइनस का 2। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 196 माइनस 2 कितने हो गए 194। शाबाश, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 194। बाकी एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, डायरेक्ट क्या लगेगा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट में आया ए प्लस बी ए माइनस बी। तो बेटा इसलिए हमने पहले x प्लस वन अपॉन एक्स निकाला और वन अपॉन एक्स निकाला। तो x स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 14 है और x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 8 अंडर रूट 3 है। तो 14 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें, शाबाश, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 112 अंडर रूट 3। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो देखो निकालना तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर था और एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर था, लेकिन डायरेक्टली वो भी निकल सकता था। हमें क्या काम करना था, हमें पहले प्लस निकालना है, फिर माइनस निकालना है, फिर स्क्वायरिंग करनी है और फिर डायरेक्ट फॉर्मूला निकालना है। यही चार स्टेप आज तक 2.8 में समझाए, ठीक है, कॉपी कर ले, शाबाश। जी इस सवाल में पूरी एक्सरसाइज है,